ई वेस्ट क्या है, ई वेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, ई वेस्ट मैनेजमेंट साइंटिस्ट ओपिनियन क्या है, ई वेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्ड कैसे करें, ई वेस्ट मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग और नॉर्थ ईस्ट इंडियन कैंडिडेट के लिए स्पेशल बेनिफिट क्या है। आप सब ई वेस्ट के बारे में तो जानते होंगे। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट, जो हम कुछ शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करके और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करके फेंक देते हैं एज ए वेस्ट, जैसे कि लाइट्स, इलेक्ट्रिक केबल्स, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सर्किट्स, बैटरीज, ट्यूब्स, आयरन्स, वायर्स, टीवी, एलईडी, म्यूजिक सिस्टम्स, एयर कंडीशंस, रेफ्रिजरेटर्स, इंडस्ट्रियल मशीनरीज और भी बहुत सारे होम अप्लायंसेस है। एज पर 2019 रिपोर्ट 53 to 54 मिलियन टन ईयूएस जनरेट हुआ है ग्लोबली, और हर एक कंट्री में मेट्रिक टन के हिसाब से ग्रो हो रहा है हर एक साल। सिर्फ इंडिया में ही हर साल अप्रोक्स 2 मेट्रिक टन ईयूएस प्रोड्यूस होते हैं। और एक रिसर्च से पता चला है कि 2030 तक ये 74 to 75 मेट्रिक टन तक डिफरेंट ईयूएस जमा हो सकता है। डिफरेंट ईयूएस से एक्सपेंसिव मेटल जैसे सिल्वर, आयरन, प्लेटिनम, गोल्ड, कॉपर एंड पैलेडियम को रिसाइकल करते हैं, और साथ में बहुत सारे टॉक्सिक पदार्थ जैसे लीड, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी एक्सेट्रा होते हैं, जिसको डिस्पोज करना बहुत जरूरी होते हैं। टोटल यूएस में सिर्फ 12.5% यूएस रिसाइकल होते हैं, 80% के ज़्यादा यूएस अनयूज्ड है। इतने बड़े इंडिया में कुछ ही कंपनीज है जो इसको प्रॉपर वे में रिसाइकल करते हैं और अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर रहा है। मैक्सिमम लोग ट्रेडिशनल वे में ही सिर्फ आयरन, कॉपर, सिल्वर को रिसाइकल करते हैं। आप सब देखते होंगे कबड्डी खाने से जो लोग इसको कलेक्ट करते हैं, विदाउट प्रॉपर नॉलेज जो इनको चाहिए ये लेके जाते हैं और सेल करते हैं, और मैक्सिमम ई वेस्ट ऐसे ही नॉर्मल वेस्ट में फेंक देते हैं। ये बाय वेस्ट या फूड वेस्ट तो नहीं है जो ट्रेडिशनल वे में या ऑटोमेटिकली मिट्टी के साथ मिल जाए। ये जो मशीन्स, सर्किट्स या बैटरी होते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम कभी कभी बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल भी यूज़ करते हैं, इसीलिए जो टॉक्सिक है इसको प्रॉपर वे में डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी होते हैं, नहीं तो ये एनवायरनमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के लिए एनकरेज करता है। और ये अगर सही तरीके से डिस्पोज ना करे तो ये थ्रू एनवायरनमेंट जैसे एयर, वाटर और सॉयल के साथ मिक्स होके हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है और बहुत सारे नए नए बीमारी का जन्म दे सकता है। और ह्यूमन जो डीएनए है और नेचुरल इम्यून सिस्टम है, इसमें डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए यूएस को एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में डाइवर्ट करने के लिए? एक नंबर में एक सही यूएस मैनेजमेंट प्रोसेस आपको जानना चाहिए। दो नंबर में पेरिफेरल्स थ्रू क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजिंग प्रोसेस में। तीन नंबर में रिसाइकलिंग और रीयूज प्रोसेस। चार नंबर में टॉक्सिक एलिमेंट सही वे में डिस्पोजल। इंक्रीजिंग डिफरेंट ई वेस्ट्स आपको बहुत सारे स्मॉल मीडियम स्केल एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंटरप्रेन्योरशिप का अपॉर्चुनिटीज भी देता है, और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिजनेस में जाना जाता है। चलिए जानते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। एक नंबर में कलेक्टिंग ई वेस्ट बिजनेस। दो नंबर में कंपोनेंट को रिसाइकल बिजनेस। तीन नंबर में रीयूज और न्यू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। चार नंबर में सप्लाई चेन बिजनेस। पांच नंबर में सेल पॉइंट और रिटेल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ये जो हर एक बिजनेस सेक्टर है इसको आप कुछ कम्युनिटी में क्लस्टरिंग भी कर सकते हैं, जो माइक्रो लेवल बिजनेस में एंगेजमेंट हो सकता है और प्रॉपर एडवांस ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग के साथ विलेज लेवल में भी रियल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सकता है।
चलिए जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएस मैनेजमेंट सिक्किम मिलेट ट्रेनिंग सेंटर का जो साइंटिस्ट डी है और प्रोजेक्ट चीफ इन्वेस्टिगेटर मिस्टर खगेंद्र शर्मा जी का वैल्यूएबल सजेशन और ओपिनियन। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आए हैं सिक्किम में जो मिलेट सेंटर है, यहाँ पे जो बहुत सारे यूएस मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस यहाँ पे होते हैं। ये मेनली नॉर्थ ईस्ट के लिए है, फोकस किया हुआ है। आज हम जानेंगे यूएस जो कोर्सेस है उनके बारे में डिटेल्स में, और इसका बेनिफिट्स क्या है और इसको क्यों करना चाहिए, और एक छोटे एंटरप्रेनर्स, छोटे और मीडियम लेवल का जो एंटरप्रेनर्स है वो इसको इम्प्लीमेंट करके कैसे यूएस को वेब में कन्वर्ट कर सके। तो इसके लिए आज हम मिलेंगे जो जो साइंटिस्ट सर है मिस्टर खगेंद्र शर्मा जी, जो साइंटिस्ट डी है और यहाँ पे जो यूएस प्रोजेक्ट है इसका जो चीफ इन्वेस्टिगेटर है। तो आज उनसे हम जानेंगे डिटेल्स में क्या क्या और उनका वैल्यूएबल सजेशन। गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स। So myself Khagendra Sharma, working as scientist D with National Institute of Electronics IT, इसको NILET भी बोला जाता है, NILET, और ये actually Ministry of Electronics and IT, Government of India के अंडर में एक organization है जो basically skill development, capacity building के areas में काम करता है। तो actually आज मैं एक project sponsored by Ministry of Electronics and IT, Government of India के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ, ताकि जो भी unemployed youths है especially in the area of northeast part of India, जो basically इस area में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि e-waste है actually, ये project का नाम है e-waste management। तो actually क्या हुआ है कि Ministry of Electronics and IT, Government of India ने NILET कैंटो को एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है जिसका नाम है कैपेसिटी बिल्डिंग इन ई वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट इन ई वेस्ट डिसमेंटलिंग एंड सेग्रीगेशन फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सो अंडर दिस प्रोजेक्ट बेसिकली आई वुड लाइक टू गिव अ लिटिल बिट आइडिया ऑन व्हाट ई वेस्ट इज एंड हाउ अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन दिस एरिया ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, सो ई वेस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ओके, सो आज के एज में इतना सारा हम लोग गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर यूजिंग देम दे बिकम ऑब्सोलेट, दे स्टॉप वर्किंग एंड देन वी हैव टू आइदर डिस्पोज देम ऑफ और वी स्टॉप यूजिंग दोज डिवाइसेस एक्चुअली, राइट। सो इन सच सर्कमस्टेंसेस व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज नॉर्मली द इनफॉर्मल सेक्टर्स, और जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कबड्डी वाला, वो लोग हम लोग से ये सब लेते हैं और बेसिकली इट रीचेस सम एरिया जहाँ पे इसको अनसाइंटिफिक प्रोसेस या तो वेरी रॉ प्रोसेस यूज करके इसमें जो भी वैल्यूएबल कंपोनेंट्स होता है जैसे आपका कॉपर हुआ, ये सब को एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश किया जाता है। तो बेसिकली द इनफॉर्मल सेक्टर्स लाइक द कबड्डी वाला, दे यूज लाइक मेथड्स लाइक एसिड डीप और the acid bath or burning in open air the PVC cables, the printed circuit boards and then they try to get the valuable items from the e-waste. So what it means is it's very much clear like e-waste is not actually waste, it is wealth actually, क्योंकि almost 98% to 99% if you have the right skills you are able to extract the resources, और जो रिसोर्सेस आपने एक्सट्रैक्ट किया है इसको आप सेल करके यू कैन डू अ वंडरफुल बिजनेस देयर। सो इट्स नॉट जस्ट अ बिजनेस, यू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी आल्सो, क्योंकि सोसाइटी में, समाज में तो ये प्रॉब्लम है ना ई वेस्ट का जो बढ़ते जा रहे हैं डे आफ्टर अनदर, क्योंकि इतना सारा गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं लोग, तो ये सॉल्व भी हो सकता है और साथ साथ में आप एक स्टार्टअप भी बना सकते हैं जो बेसिकली आपका कलेक्शन सेंटर्स, ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स या डिसमेंटलिंग यूनिट्स के रूप में फंक्शन कर सकता है बेसिकली। ओके, ये तो एक है। दूसरा अभी क्या हुआ है, भारत सरकार का एक ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है थ्रू विच एक्चुअली द प्रोड्यूसर्स आर सपोज टू मीट सम टारगेट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। जैसे
कोई एक कंपनी है, मान लीजिए एलजी है या डेल है या एचपी है, उन्होंने कोई लैपटॉप बेचा, कोई डेस्कटॉप बेच दिया, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है यानी कोई बिगड़ जाता है और वो मे बी दी ओनर स्टॉप्स यूजिंग इट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी प्रोड्यूसर टू टेक दैट, टेक बैक दोस आई मीन द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टेक देम टू अ प्रॉपर रिसाइकलिंग फैसिलिटी फॉर साइंटिफिक रिसाइकलिंग. ओके, लेकिन ये सब करने के लिए तो कोई लोग है नहीं बेसिकली, तो उनको तो टारगेट भी मीट करना है बेसिकली. सो बेसिकली द अनएम्प्लॉयड यूथ्स, द एंटरप्रेन्योर्स कैन वर्क इन दिस एरिया आल्सो टू वर्क एज कलेक्शन एजेंट्स, टू हैव देयर ओन कलेक्शन सेंटर्स, टू मीट द ईपीआर टारगेट्स, दैट इज एस्टिमेट प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, ईपीआर टारगेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स. तो इस एरिया में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है ई वेस्ट एरिया में बेसिकली. इसीलिए द आइडिया ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज कि हम लोग जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ से उनको ट्रेन करेंगे यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे ई वेस्ट डिसमेंटलिंग लैब फैसिलिटी भी सेटअप किया हुआ विद द परमिशन ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसमें ई वेस्ट के अंडर में, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंडर में 21 प्रोडक्ट्स है. तो ईच ऑफ दिस 21 प्रोडक्ट्स क्या है, उसको कैसे डिसमेंटल किया जाए, किसे सेग्रीगेट किया जाए, सो वी हैव कम अप विद समथिंग कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. तो ये 5 days का ऑफलाइन हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में the youths would be trained on how to dismantle the electronic products and how they can, individual parts can be segregated, what are the various valuable components that are there inside the various items like a laptop, phone. तो इसी के बारे में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बेसिकली. सो आई वुड इनकरेज the youths from Northeast to take advantage of this facility that has been set up here at Gangtok, Island Gangtok by Ministry of Electronics and IT, and then undergo this wonderful training program so that they get the knowledge, the skills to do something in the area of e-waste dismantling and segregation, so that ek side mein wo log jo society ka problem hai wo solve bhi kar sake. They can contribute to the society that way. At the same time, they can have their own, a profitable startup which works in the area of e-waste dismantling and segregation. Kaise kar sakte hai? That is what we will be talking during the training program. Thank you. चलिए जानते हैं ईवेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस कैपेसिटी बिल्डिंग का स्टार्ट कैसे करें. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY की वेबसाइट में आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग बहुत सारे जगह पे होते हैं समय समय पे. और एक ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नीलेट गैंगटॉक सेंटर है जो हेल्प करता है डेवलप करने के लिए कंप्लीट ईवेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस इन द कंट्री. जो लोग इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम जैसे कलेक्टिंग पॉइंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, डीलर्स, रिटेलर्स, कंज्यूमर्स, सेलर्स, परचेजर्स, ट्रांसपोर्टर्स, स्टोरिंग, रिफर्बिशर्स, डिसमेंटलर्स, रिसाइकलर्स के लाइन में बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडियन कैंडिडेट के लिए एक स्पेशल ऑफर है. अगर आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और एक नया बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहते हो तो ये प्रोग्राम का बेनिफिट आप ले सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा. अगर आप जानना चाहते हो टॉप रनिंग यूएस मैनेजमेंट इंडियन कंपनीज और ग्लोबल कंपनीज के बारे में तो आप हमारे ब्लॉग powerlinekey.com से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज्ञा दीजिए. तब तक के लिए रहिए फिट और कुछ कीजिए सुपरहिट. थैंक यू. नमस्ते.